हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। आई एम श्वेता। इन दिस चैनल वी प्रिपेयर साइंस एंड मैथ्स फॉर वेरियस एग्जाम एंड फॉर फिजिक्स वी गोना स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट व्हिच इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आज से हम ये जो न्यू यूनिट है इसको शुरू करेंगे। सो टॉपिक्स जो हैं इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है वो आया हुआ था आपका डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में से और एक्सरे डिफ्रेक्शन में से एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो ये तीन टॉपिक हैं, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, मेथड्स ऑफ जो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड एक्सरे डिफ्रेक्शन, इसमें से क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो आज जो हम टॉपिक करेंगे दीज आर क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड सेकेंड टॉपिक इज़ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। मीन्स ये फर्स्ट दोनों टॉपिक आज हम करेंगे एंड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो वी नो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तीन स्टेट होती हैं मैटर की, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैशेस। सो बेसिकली हमारा इसमें कंसर्न है सॉलिड्स के ऊपर। सॉलिड्स जो हैं दे आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, सॉलिड दो टाइप में आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें एटम्स जो हैं दे आर पीरियोडिकली अरेंज, मतलब दे हैव सम सर्टेन जो है यू कैन से ऑर्डर है उनकी अरेंजमेंट में। ठीक है, और जो अमॉर्फस हैं उसमें जो एटम्स हैं दे आर अरेंज रैंडमली। ठीक है, ये दोनों जो है आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। क्रिस्टलाइन में एक प्रॉपर ऑर्डर में एटम्स अरेंज होते हैं, लेकिन अमॉर्फस में क्या होते हैं, जो एटम्स हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, उनकी कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता उनका। सो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्रिस्टलाइन की जो एग्जाम्पल हैं दे आर डायमंड, रॉक सॉल्ट, माइका, क्वार्ट्स जो हैं दे आर अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अमॉर्फस में आ जाता है जैसे रबर है, ग्लास है। ठीक है, बेसिक सा ही है फर्स्ट टॉपिक आपका ही। सो जो क्रिस्टलाइन है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंगल क्रिस्टल एंड पॉली क्रिस्टलाइन। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल में क्या होता है, जो एंटायर क्रिस्टल है, जो एंटायर सॉलिड है सॉरी, उसमें एक ही वन क्रिस्टल ही है उसमें। ठीक है, लेकिन पॉली क्रिस्टलाइन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टलाइट्स सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज। ठीक है, अब इसको जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशंस बेसिकली हैं क्या। सो देखो, जैसे है हमारे पास क्रिस्टलाइन, मीन सिंगल क्रिस्टल जो है उसमें आप देखो जो एटम्स हैं दे आर अरेंज प्रॉपरली। ठीक है ना, पीरियोडिक मैनर जो है एटम्स अलॉन्ग अक्रॉस द होल वॉल्यूम जो है अरेंज हैं। ठीक है, जितना वॉल्यूम है उसमें जो है एटम्स दे आर पीरियोडिकली अरेंज। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट है पीरियोडिक, लेकिन अक्रॉस सर्टेन क्रिस्टलाइट्स, मतलब उसमें जो है एटम्स जो हैं दे आर फॉर्मिंग सर्टेन क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, इन क्रिस्टलाइट्स को कहा जाता है ग्रेन्स। जो ग्रुप ऑफ यहाँ पे जो बन रहे हैं क्रिस्टल्स उनको कहा जाता है ग्रेन्स। जो उनकी बाउंड्री होती है उसको कहा जाता है ग्रेन बाउंड्रीज। क्लियर है ये? और जो एटम्स हैं दे आर जो है पीरियोडिक अक्रॉस दीज ईच ग्रेन। तो बेसिकली आपने देखा सिंगल क्रिस्टल एंड पॉली क्रिस्टल में क्या फ़र्क है दोनों ही पीरियोडिक, लेकिन जो सिंगल क्रिस्टल है वो पूरे के पूरे वॉल्यूम के अक्रॉस पीरियोडिक है, लेकिन जो पॉली क्रिस्टल है दे आर इनटू सर्टेन, दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स जिनको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं या ग्रेन्स कहते हैं, और उनके अक्रॉस जो है देयर इज़ अ पीरियोडिसिटी, वहाँ पे अरेंजमेंट है। नाउ मूविंग टू अमॉर्फस, अमॉर्फस में कोई पीरियोडिक नहीं है, कुछ नहीं है, जो एटम्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, कहीं भी प्लेस्ड हैं। ठीक है, अमॉर्फस में ऐसे है। क्लियर हो गया डायग्राम के थ्रू, आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। सो सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। सो हमने देखा जो है क्रिस्टल किस तरीके से होता है, क्रिस्टल में क्या है एटम्स जो हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है, विच आर द मैथमेटिकल टर्म्स थ्रू विच जो है क्रिस्टल को एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो हमने जो है यहाँ पे कुछ ये जो डॉट्स वाला नज़र आ रहा होगा आपको, प्लस यहाँ पे ओ है, ये मैं बताती हूँ दोनों चीज़ें क्या है। सो ये जो सिस्टम ऑफ पॉइंट्स है, यू कैन से जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे, उसको जो कहा जाता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस बेसिकली क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डिमेंशनल। ठीक है, थ्री डी में जो पॉइंट्स की अरेंजमेंट है उसको स्पेस लैटिस कहा जाता है, और जहाँ पे जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं दे आर टर्म्ड एज
लैटिस पॉइंट्स. लैटिस पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स, वो साइट्स जहाँ पे जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को प्लेस किया जाता है सो दैट क्रिस्टल फॉर्म हो सके. क्रिस्टल आपने देखा ना, क्रिस्टल दो, अगर आप उसको मैथमेटिकली समझें तो क्रिस्टल दो तरीके से बना हुआ है. कुछ तो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ जगह बनी हुई है और उनके ऊपर जो है एटम्स को अरेंज किया गया है एंड यू कैन से क्रिस्टल फॉर्म हुआ है. तो जो स्पेस है जहाँ पे जो है एटम्स को पुट किया जाता है उसको कहा जाता है स्पेस लैटिस. वो जो साइट्स हैं, प्रॉपर लोकेशन, जो उनकी सीट्स हैं यू कैन से, उनको कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स. अब यहाँ पे जो मैंने ओ यहाँ पे जो बनाया है, इट इज़ एन एटम, इसको क्या कहते हैं? बेसिस. ठीक है, इसका नाम है बेसिस. सो बेसिस क्या हो सकता है? बेसिस कैन बी एनी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है. सो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे फॉर्म हो रहे हैं? हमारे पास एक स्पेस लैटिस हो, उसके अलावा जो है उन लैटिस पॉइंट्स पे जो हमने प्लेस करने हैं वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, उसमें से कुछ भी हो. ठीक है, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं देन वी गेट आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इन दो चीज़ों से बना हुआ है, स्पेस लैटिस एंड बेसिस से. नाउ आई विल शो यू कैसे जो है इनको प्लेस किया जाता है. सो देखो, ऐसे जो है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है. जो लैटिस पॉइंट्स थे स्पेस लैटिस के विद इन, उनमें जो है हमने बेसिस को जो है प्लेस कर दिया एंड वी हैव गॉट आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करते टाइम जो है एक बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ टू ऑब्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ईच बेसिस इज प्लेस्ड एट द लैटिस पॉइंट इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ द बेसिस कंसाइड विद द लैटिस पॉइंट. बात समझ आई? जब आपको जो है, जब आप बेसिस को लैटिस पॉइंट के ऊपर रख रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सेंटर ऑफ द बेसिस है, जो भी आपका एटम है, मॉलिक्यूल, वॉट एवर यू आर टेकिंग, उसका सेंटर जो है वो बेसिस के ऊपर पूरा कंसाइड होना चाहिए. ठीक है, पूरे उसके सेंटर के साथ मैच होना चाहिए. इस तरीके से जो है आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ था इन आर लोअर क्लासेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको एक मैथमेटिकल टर्न दिया गया है कि अगर जो कैलकुलेशंस हम उनके ऊपर कैसे कर सकें और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स को कैसे स्टडी किया जा सके. ठीक है, सो वी गॉट आर रिजल्ट. हमें पता चल गया जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है. इट इज़ द सम ऑफ, मीन्स जब स्पेस लैटिस और बेसिस कंबाइन होते हैं तब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. और आपको समझ आ गया है ये बात कि बेस जो है यहाँ पे, जो भी बेसिस होंगे उनको आपने लैटिस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से रखना है कि उनका सेंटर जो है वो कंसाइड हो लैटिस पॉइंट के साथ. क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको अच्छे से? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें लैटिस कैसे मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है यूनिट सेल की. यूनिट सेल क्या है? एंटायर लैटिस इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटिंग अ यूनिट सेल बाय मीन्स ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स. तो हमने यहाँ पे एक यूनिट सेल ले लिया विच इज़ ए बी सी डी. एक यूनिट सेल आ गया हमारे पास जो मैंने थोड़ा बोल्ड किया है, ए एंड बी उसके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं वो ए एंड बी. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको जो है अपने ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के अलोंग जो है मूव करवाना है. समझे ना आप, जैसे ये पी क्यू आर एस में मैंने क्या किया है, जो बी वेक्टर है ठीक है उसके अलोंग जो है लेटर्स को जो है मूव करवाया गया. तो व्हाट यू विल गेट इज़ पी क्यू आर एस, एक हमारे पास जो है न्यू, यू कैन से न्यू सॉर्ट ऑफ लेटर्स फॉर्म हो गया यहाँ पे. सिमिलरली जैसे हम देखो उसको ए के अलॉन्ग मूव करवाया तो हमारे पास एक न्यू डायग्राम बन गई विच इज़ एल एम एन ओ. ठीक है, तो बेसिकली यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल इज़ समथिंग जिससे जो है पूरा लैटिस हमें ऑब्टेन होता है. सो बेसिकली एंटायर लैटिस कैन बी डिराइव्ड बाय रिपीटिंग अ यूनिट सेल. यूनिट सेल को ही आपने बार बार जो है रिपीट किया और उसको ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के अलॉन्ग जो है उसको मूव किया तो आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस फॉर्म हो गए. और ये टू डिमेंशनल है, हम आगे स्टडी करेंगे टू डिमेंशनल में कितने टाइप्स ऑफ लैटिस फॉर्म होते हैं. थ्री तो आपको यहाँ पे दिख गए हैं. ठीक है, तो आगे इसको और फर्दर हम स्टडी करेंगे. जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है कि यूनिट सेल को इन डायग्राम्स के बेसिस पे जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आर प्रिमिटिव सेल्स एंड नॉन प्रिमिटिव सेल्स. ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल्स कौन से होते हैं? सो प्रिमिटिव सेल वो हैं जिनमें सिर्फ एक लैटिस पॉइंट हो. जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग देखो ए बी सी डी है. ठीक है, एक ही लैटिस पॉइंट है यहाँ पे सारे के पास, वन लैटिस पॉइंट इज़ देयर. सो इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव सेल. और जैसे मैंने बाकी डायग्राम्स बनाई हैं पी क्यू आर एस एल एम एन ओ, तो यहाँ पे आप देखोगे दे कंटेन मोर देन वन लैटिस पॉइंट. ठीक है, तो ए बी सी डी में आपने देखा कि सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट है. यहाँ पे आप देखोगे कि
पी एंड एस के बीच में भी एक एक्स्ट्रा लेटस पॉइंट आ रहा है, पी क्यू के क्यू आर के बीच में भी एक्स्ट्रा लेटस पॉइंट है. सो यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं एल एम एन ओ या पी क्यू आर एस, दे कंटेन मोर देन वन लेटस पॉइंट, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव सेल्स. क्लियर हो गया ये प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. आपको जो प्रिमिटिव सेल होते हैं उनका अनदर नेम भी है विच इज़ मिनिमम वॉल्यूम सेल्स. ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल जो हैं बिकॉज यू हैव सीन उनमें कोई एक्स्ट्रा लेटस पॉइंट नहीं है, तो दे आर इनक्लोजिंग द मिनिमम एरिया, तो उनको यही कहा जाता है दैट दे आर हैविंग द मिनिमम वॉल्यूम. ठीक है, तो प्रिमिटिव सेल इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मिनिमम वॉल्यूम सेल. क्लियर हो गया है आपको यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है हमने एक यूनिट सेल लिया है, अब जो है हमने इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करना है. ठीक है, सो यहाँ पे जो आप थ्री लाइंस देख रहे हो दे आर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इनको कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस. क्लियर है ये? ठीक है, ये तीनों एक्सेस का नेम क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस. सो यहाँ पे जो है तीन एंगल्स बन रहे हैं, आप देख पा रहे होगे अल्फा बीटा गामा. ठीक है, इन एंगल्स को कहा जाता है इंटरफेशियल एंगल्स. ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है. तो जो अल्फा बीटा गामा है दे आर द एंगल्स बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस, और इनको कहा जाता है इंटरफेशियल एंगल्स. क्लियर है ये? अल्फा बीटा गामा आपको ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिमिटिव, जो ए बी सी हैं विच आर द थ्री साइड्स ऑफ अ यूनिट सेल, उनको कहा जाता है प्रिमिटिव्स. तो जहाँ यहाँ पे जो मेन आपको बात ध्यान में रखनी है, दीज आर इंटरफेशियल एंगल्स एंड प्रिमिटिव्स, आपको पता होना चाहिए. प्रिमिटिव्स क्या हैं? दे आर द थ्री साइड्स ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, उनको प्रिमिटिव्स कहा जाता है, और जो एंगल्स बनते हैं बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस उनको इंटरफेशियल एंगल्स कहा जाता है. क्लियर है ये? इनको आगे यूज़ करेंगे हम अभी. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लेटसेस. ठीक है, टू डायमेंशनल में आप कितने लेटस फॉर्म होते हैं उनको हमने स्टडी करना है. जैसे यहाँ पे जो है एक यूनिट सेल हमने जो है हमारे पास आपको जैसा समझाया था यूनिट सेल में, टू डायमेंशनल में मैंने आपको रिपीट करके वहाँ पे तीन डायग्राम्स तो बता ही दी थी. ठीक है, तो बेसिकली वही होता है. जैसे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल वेक्टर है ए एंड बी. स्क्वायर में क्या होगा? ए एंड बी दोनों मतलब प्रिमिटिव्स दोनों इक्वल होंगे, एंड जो एंगल जो है यहाँ पे गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. ये स्क्वायर के डायमेंशंस हैं. अगर बस यहीं पे जो है हम ए एंड बी जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं उनको मूव करवाएंगे तो वी विल गेट डिफरेंट जो है लेटिसेस. लेट्स सी बाकी कौन से बनते हैं यहाँ पे डायग्राम्स. देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जो बी है ठीक है, ए ट्रांसलेशनल वेक्टर वैसे ही रहा, जैसे हमने बी ट्रांसलेशनल वेक्टर को मूव किया तो हमारे पास एक नेक्स्ट लेटिस बन गया विच इज़ टर्म्ड एज सेंटर्ड रेक्टेंगुलर. ठीक है, जिसमें ए एंड बी तो इक्वल नहीं है, प्रिमिटिव्स इक्वल नहीं है, बट जो एंगल है गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, हमने ए एंड बी को इस तरीके से मूव किया कि एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं रहा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लैटिस बन रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्लीक. और ए एंड बी यहाँ पे इक्वल नहीं है ना कि, और ना ही गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, सो दिस इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ लैटिस विच इज़ ऑब्लीक, वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल एंड नॉट इवन गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर है ये? सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन. जो फोर्थ डायग्राम है वो है हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में क्या है, देखो ए एंड बी इक्वल नहीं है और गामा जो है वो 120 डिग्री के इक्वल है. फिफ्थ है हमारे पास प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, इसमें ए एंड बी भी इक्वल नहीं है और प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर एक ऐसा है जिसमें गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है. आपको याद रखना है जो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है उसमें गामा 90 डिग्री है, जो प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर है उसमें गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है. तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि याद क्या रखना है. ठीक है, तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है दैट इन टू डिमेंशनल हमें फाइव टाइप्स ऑफ लेटिसेस मिलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इन टू डिमेंशनल वी गेट फाइव टाइप्स ऑफ लेटिसेस. दूसरी बात जो आपको मेमोराइज करनी है, ध्यान में रखनी है, इस ये फाइव टाइप ऑफ लेटिसेस के नेम क्या है ये आपको पता होना चाहिए. द स्क्वायर है, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है, ऑब्लीक, हेक्सागोनल, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर. ठीक है, फाइव टाइप के लेटिसेस के आपको नाम पता होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है, इन लेटिसेस में प्रिमिटिव एंड इंटरफेशियल एंगल की वैल्यू क्या है, इट मींस ए बी एंड गामा की वैल्यू क्या है, ये आपको याद रखनी है. सो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि इन टू डिमेंशनल हमारे पास फाइव टाइप्स ऑफ लेटस फॉर्म हो रहे हैं, उन फाइव टाइप्स के आपको नाम पता होने चाहिए, एंड थर्ड थिंग क्या बोली मैंने, आपको जो है उसमें प्रिमिटिव्स एंड जो है इंटरफेशियल एंगल गामा की वैल्यू पता होने चाहिए. क्लियर है ये? ध्यान में रखना आपको.
एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ स्पेस लैटिस है विच इज़ हेल्पिंग टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेविस जो है था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इन सब लैटिस टाइप्स को जो है ब्रेविस लैटिस भी कहा जाता है, ठीक है। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम दैट इन टू डिमेंशनल देयर आर 5 ब्रेविस लैटिस टाइप्स, क्लियर है ये। तो टू डिमेंशनल का तो आपको पता चल गया कि उसमें 5 हैं और आपको नाम भी उनके क्लियर हो गए हैं और जो प्रिमिटिव्स एंड एंगल है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू 3 डिमेंशनल, सो ब्रेविस जो है उसने सजेस्ट किया दैट इन 3 डिमेंशनल सिर्फ 14 पॉसिबल लैटिसेस हैं, ठीक है। सो इन 3 डिमेंशनल जो हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं, उनके नेम जो हैं इस तरीके से हैं। सो फर्स्ट है उसका नाम है सिंपल ट्राइक्लिनिक, ठीक है। सेकंड है ट्राइगोनल और सिंपल जो है रोम्बोहेड्रल। थर्ड है सिंपल हेक्सागोनल। फोर्थ है सिंपल मोनोक्लिनिक। फिफ्थ है बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ है सिंपल टेट्रागोनल। सेवन्थ है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। एट्थ है सिंपल क्यूबिक। नाइन्थ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। टेंथ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इलेवेंथ है सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। ट्वेल्थ है बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। थर्टीन्थ है बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। 14th है फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। ये 14 टाइप्स के जो हैं पॉसिबल हैं। अब इनको कैसे मेमोराइज़ करना है आई विल एक्सप्लेन टू यू। यहाँ से जो है आपको बेसिक चीज़ जो समझ आ रही है कि एक ट्राइक्लिनिक है, ठीक है। यहाँ पे एक ही ट्राइक्लिनिक है, एक ट्राइगोनल है, एक हेक्सागोनल है, एक मोनोक्लिनिक है। नेक्स्ट देखो एक टेट्रागोनल है, एक क्यूबिक है, एक ऑर्थोरोम्बिक है, बाकी उसी की टाइप्स हैं आगे। तो यहाँ से जो है हमें 7 क्रिस्टल सिस्टम्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पे यही स्टडी करना है जो आपके सिलेबस का टॉपिक भी है दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। सो इन 3 डिमेंशनल जो है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। हमने देखा ही कि मेनली 7 ही बन रहे हैं, बाकी उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, उन 7 सिस्टम्स को स्टडी करना है, जो उनके अंडर लैटिसेस आ रहे हैं उनको भी इसी बीच में इंक्लूड करना है, एंड साथ में इसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो उसके प्रिमिटिव्स एंड एंगल्स बन रहे हैं उनको हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टडी करेंगे कि हमें वो 14 के 14 लर्न भी हो जाएं साथ में, ठीक है। सो फर्स्ट सिस्टम है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में हमने देखा था सिर्फ एक ही था, वहाँ ट्राइक्लिनिक था वहाँ पे। सो नंबर ऑफ लैटिसेस में क्या है, ट्राइक्लिनिक एक ही है। सो ब्रेविस लैटिसेस का क्या है, सिंपल ट्राइक्लिनिक। और सिंपल को हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल पी, यहाँ पे मैंने पी लिखा हुआ है ना, ठीक है, सिंबल पी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो यही है कि इसमें ए बी सी और अल्फा बीटा गामा मतलब प्रिमिटिव्स और इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये बात आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। सो इन ट्राइक्लिनिक क्या है, हमारे पास एक ही लैटिस है वो है सिंपल ट्राइक्लिनिक, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी सी तीनों अनइक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल और ना ही वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। ये है ट्राइक्लिनिक फर्स्ट टाइप, जो एक ही सिस्टम में एक ही लैटिस है, क्लियर हो गया ये आपको। नाउ मूविंग टू द सेकंड टाइप विच इज़ ट्राइगोनल। सो ट्राइगोनल के अंडर भी हमें सिर्फ एक ही लैटिस मिला था विच इज़ सिंपल ट्राइगोनल, ठीक है। तो इसके एक्सेस क्या होंगे, इसमें बेसिकली ए बी सी तीनों इक्वल हैं, अल्फा बीटा गामा भी तीनों इक्वल हैं, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, देयर इज़ सम अनदर एंगल, ठीक है। तो ये है ट्राइगोनल, क्लियर हो गया ये सेकेंड टाइप। अभी तक हमने 2 ब्रेविस लैटिस पढ़ लिए 14 में से, कौन कौन से, सिंपल ट्राइक्लिनिक एंड सिंपल ट्राइगोनल, और उनके हमने एक्सेस एंड प्रिमिटिव्स भी देख लिए। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंडर भी जो है नंबर ऑफ लैटिस एक ही आता है और ब्रेविस लैटिस का नाम है सिंपल हेक्सागोनल। और इसमें जो है ए एंड बी तो इक्वल है, बट जो है बी वो सी के इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा भी 90 डिग्री के इक्वल हैं और गामा 120 डिग्री के इक्वल है, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने 3 जो है पढ़ लिए, सिंपल ट्राइक्लिनिक भी हो गया, सिंपल ट्राइगोनल हो गया एंड सिंपल हेक्सागोनल हो गया। कितने रह गए अभी, 14 - 3 कितने रह गए, 11। सो नेक्स्ट 11 पढ़ते हैं अभी। सो जहाँ हमने पढ़ा कि ट्राइक्लिनिक ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल में एक एक ब्रेविस लैटिस है, अब हमारे पास है मोनोक्लिनिक एंड टेट्रागोनल, इनके अंडर जो आते हैं 2 ब्रेविस लैटिस आते हैं, ठीक है। सो मोनोक्लिनिक में आए 2, उनका नाम क्या है, सिंपल मोनोक्लिनिक एंड बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। जो सिंपल है उसको सिंपल सिंबल पी से डिनोट करते हैं और जो बेस सेंटर्ड है उसका सिंबल है सी। अब इनमें जो प्रिमिटिव्स एंड इंटरफेशियल एंगल्स हैं उनकी वैल्यू देख लो,
मोनोक्लिनिक में क्या है, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, बट गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। और टेट्रागोनल की टर्न आई है, अभी टेट्रागोनल में भी दो लेटर्स आते हैं, सो ब्रेविस लेटर्स, उनका नाम क्या है, सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। जो बॉडी सेंटर्ड है उसका सिंबल है आई, बेस सेंटर का सिंबल सी है, बॉडी सेंटर का सिंबल है आई। सो एक्सेस देख लो इसमें क्या है, ए बी इक्वल नहीं, ए और बी इक्वल हैं सॉरी, एंड बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑल द एंगल्स जो हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। कितने पढ़े थे अभी तक हमने, 3 पढ़ लिए थे, 4 यहाँ पे हो गए, 2 and 2 4 कितने हो गए, 7, और 7 रह गए अभी। क्लियर हो गए ना आपको कितने थे हमने पढ़े, सिंपल ट्राइक्लिनिक, सिंपल टेट्रागोनल, सॉरी सिंपल ट्राइगोनल एंड कौन सा था, सिंपल हेक्सागोनल, 3 वो पढ़े थे हमने यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, सिंपल मोनोक्लिनिक एंड बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, एंड कौन सा पढ़ा हमने, सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। सो इन दिस वे 7 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो नेक्स्ट 7 देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास 2 सिस्टम्स रह गए थे, इसी तरीके से जो है हमने 5 सिस्टम्स भी स्टडी कर लिए थे, जो 6th and 7th सिस्टम है वो कौन से हैं, क्यूबिक एंड ऑर्थोरॉम्बिक। क्यूबिक के अंडर जो है हमें 3 लैटिसेस मिलेंगे, नंबर ऑफ लैटिसेस 3 हैं, एंड ऑर्थोरॉम्बिक के अंडर जो है 4 मिलेंगे। क्यूबिक जो है उसके नेम है, सिंपल क्यूबिक मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मिलेगा, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। डायमेंशंस देखो क्या है, ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। क्लियर है, क्यूबिक का तो ईजी है मेमोराइज करना। उसके बाद है ऑर्थोरॉम्बिक, उसके अंडर आएंगे 4, कौन कौन से हैं वो, सिंपल बेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर, मतलब जितने हमने पढ़े थे अभी तक सारे चारों के चारों ऑर्थोरॉम्बिक में प्रेजेंट हैं। सो ऑर्थोरॉम्बिक में क्या है, तीनों प्रिमिटिव्स अनइक्वल हैं, ठीक है, ए बी 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 सी भी तीनों अनइक्वल हैं, बट तीनों एंगल इक्वल हैं 90 डिग्री के, ठीक है। ये एक अलग सा केस है, देखो क्यूबिक में क्या है, सभी इक्वल है, ए बी सी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, याद करना आसान। ऑर्थोरॉम्बिक में क्या है, ए बी सी तीनों अनइक्वल हैं, बट एंगल्स तीनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल हैं। सो कितने पढ़े थे अभी तक हमने, 7, और यहाँ पे 4 + 3 7, मतलब टोटल 14 हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। सो कौन कौन से 7 सिस्टम्स थे हमारे पास, फर्स्ट वन इज ट्राइक्लिनिक, सेकंड ट्राइगोनल, थर्ड हेक्सागोनल, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ टेट्रागोनल, सिक्स्थ क्यूबिक, सेवन्थ ऑर्थोरॉम्बिक। फर्स्ट पेज पे हमने देखा था ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, जिसमें एक एक सिस्टम था, नंबर था, मतलब मोनोक्लिनिक एंड टेट्रागोनल में 2, 2 क्यूबिक एंड ऑर्थोरॉम्बिक में 3, 4। क्लियर है ये, अभी आपको पता चलेगा मैंने इतनी बार इसको रिपीट क्यों करवाया। क्वेश्चन देखिए अभी आप क्या है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी द डायग्राम्स, तो ये कुछ ऐसी होंगी, देखो फर्स्ट सिंपल ट्राइक्लिनिक के डायग्राम है, सेकंड है सिंपल जो है ट्राइगोनल, जिसको हमने रोम्बोहेड्रल भी बोला था, थर्ड जो है सिंपल हेक्सागोनल के डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों थे जो इनके एक एक ही था जिनमें, उसके बाद कौन से थे, मोनोक्लिनिक के 2 आ गए, उसके बाद टेट्रागोनल के 2 आ गए, उसके बाद क्यूबिक के 3 आ गए, एंड लास्ट में जो है ऑर्थोरॉम्बिक के 4 आ गए। क्लियर है, इस तरीके से अगर आप डायग्राम देखो तो 14 ब्रेविस लेटर्स जो हैं इन 3-डिमेंशनल, उनके डायग्राम ऐसे फॉर्म होंगे। ओके, आपको क्लियर हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है। सो क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ क्रिस्टल सिस्टम ऑल द 3 लेटेस्ट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट अनइक्वल, द सिस्टम रिप्रेजेंटेड इज, ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरॉम्बिक है, हेक्सागोनल है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमें कितना ज़रूरी है समझना कि ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है 14 लैटिसेस में आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, तीनों वैक्टर्स हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है, बट अनइक्वल भी हैं। तो ये कौन सा केस था, इसमें से तीनों वैक्टर्स जो हैं ए बी सी जो हैं दे आर अनइक्वल, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सा केस था ये वाला। सो दिस इज़ द लास्ट वन जो हमने स्टडी किया, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल थे, बट ए बी सी जो हैं वो अनइक्वल थे। ये केस था ऑर्थोरॉम्बिक का, एंड करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें सी होगा। तो आपको जो है अब अच्छे से इनको पढ़िए टॉपिक को, ठीक है। और
सो मैनी ऑफ यू वर सेइंग कि जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वैसे फिजिक्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, तो हियर आई हैव एडेड 4 क्वेश्चंस, ठीक है? तो इनको जो है आपने, अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो इन 4 क्वेश्चंस को जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इनके आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, सेकेंड इज अ प्रिमिटिव सेल वाला, सो थर्ड क्वेश्चन है क्यूबिक क्रिस्टल, फोर्थ, ठीक है? तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर कीजिए, एंड आई विल टेल द करेक्ट ऑप्शंस इन द नेक्स्ट वीडियो. क्लियर है ये? सो आई होप आपको जो है आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे. सो इफ़ ऐसा है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, ओनली देन आई विल गेट टू नो कि आपको अच्छा लगा सब, एंड कमेंट कीजिए, ठीक है? एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.